सो गाइस सिंपली पहले आप सभी को करना है गाइस बैकग्राउंड को सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप सभी को डाउनलोड कर लेना गाइस। उसके बाद आप सभी को गाइस जाना है ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को लेकर आना है। ठीक है गाइस, मैं अपने मॉडल को ले लेता हूं गाइस। तो सिंपली गाइस एंड मैंने गाइस अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रेस कर रखा है एंड गाइस आप सभी को बैकग्राउंड रेस करना नहीं आता तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो वीडियो के लिंक दे रखे हैं, आप दोनों वीडियो को देख लेना गाइस। मैंने दोनों में प्रॉपर तरीके से समझा रखा है कि गाइस बैकग्राउंड को कैसे रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये मेरा थोड़ा सा रह गया गाइस। ठीक है, तो मैं इसको रेस कर लेता हूँ गाइस। ओके, सो गाइस अगला स्टेप है जो हमारा गाइस हमें जाना है इफेक्ट्स में। ठीक है, इफेक्ट्स में जाएंगे एंड ब्लर में जाएंगे गाइस। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला गाइस, ये थर्ड वाला ऑप्शन है जो गाइस ब्लर का, ये वाला लेंगे एंड गाइस इरेजर टूल में जाएंगे, इरेजर सेलेक्ट करेंगे एंड गाइस ऊपर से हमें सिंपली रेस करना है। ठीक है, ऊपर से रेस करना है ओनली, नीचे से नहीं करना गाइस। ठीक है, तो मैंने गाइस ये रेस कर लिया एंड गाइस हम सिंपली ऐसे करेंगे डन। ठीक है गाइस, एंड उसके बाद जाएंगे गाइस हम ऐड फोटो में। ठीक है, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हम ये वाला पीएनजी लेंगे लाइक का। ठीक है, एंड हम सिंपली इसको गाइस ओपेसिटी को कम करेंगे एंड गाइस इसको जो है हमें गाइस यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एंड सिंपली गाइस अब हम क्या करेंगे गाइस, इसको पहले फिट कर लेंगे एंड इरेजर टूल में जाएंगे गाइस। ठीक है, एंड इरेजर को लेंगे एंड गाइस हार्डनेस को फुल करेंगे एंड गाइस इसको हम सिंपली इरेज करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, इस वाले एरिया को हम सिंपली रेस करेंगे गाइस। ठीक है, इस तरीके जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ तो गाइस आप भी सिंपली कर लेना। ठीक है, सो मैंने सिंपली गाइस इसको मतलब ढंग से रेस कर लेना गाइस आप सभी को। ठीक है, सो गाइस मैंने रेस कर लिया गाइस। उसके बाद आप सभी करना क्या है, ओपेसिटी को फुल कर देना गाइस। ठीक है, एंड सिंपली यहाँ से करना डन। ठीक है, एंड दोबारा जाना गाइस आप सभी को ऐड फोटो में। ठीक है, एंड ये लाइक्स के पीएनजी लेना गाइस, ये वाला एंड के सिंपली ऐड करना है। ठीक है, एंड इसको फुल स्क्रीन कर देना गाइस एंड सिंपली आपके यहाँ पे फिक्स हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से कर लेना आप सभी को डन। ठीक है गाइस, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अगेन जाना गाइस ऐड फोटो में। ठीक है, एंड एक पीएनजी और लेना गाइस। ठीक है, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस। एंड मैं इसको आपको फुल स्क्रीन करना गाइस। ठीक है, एंड ब्लेंड में जाना गाइस। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके गाइस, सो इसको सिंपली डन करते हैं एंड गाइस में हम करते हैं कलर करेक्शन। ठीक है, स्लाइडर मैप के अंदर, तो गाइस हम इसको ड्रॉ टूल में जाकर फोटो करेंगे सेव। ओके गाइस, सो हमने इसको सेव कर लिया एंड गाइस चलते हैं बैक। ओके गाइस, सो अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो यार, बिकॉज यार आपका भाई आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है यार। ठीक है, तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार एंड चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ओके, सो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सिंपली मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर भी। तो गाइज मैंने फोटो को ओपन कर लिया है। ओके गाइज, सो हम जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में, फोटो की कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, हाईलाइट्स को कम करेंगे, शेडो को कम करेंगे गाइज। ठीक है, ब्लैक को भी कम करेंगे एंड जाएंगे सिंपली नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे गाइस। ठीक है, एंड मिक्स में जाएंगे गाइस। ठीक है, ह्यू को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को माइनस करेंगे एंड ऑरेंज कलर लेंगे गाइस। ठीक है, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे एंड गाइस उसके बाद हम येलो कलर लेंगे, सैचुरेशन को माइनस करेंगे गाइस। ठीक है, ग्रीन कलर को, ल्यूमिनस को माइनस करेंगे एंड सैचुरेशन को भी। ठीक है, एंड ब्लू कलर लेंगे एंड गाइस के सैचुरेशन को माइनस करेंगे, डन करेंगे। ठीक है, नीचे वाले टूल में जाएंगे गाइस, फोटो क्लियरिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड डस्ट को भी बढ़ा देंगे एंड गाइस विग्नेट डालेंगे गाइस। ठीक है, माइनस करेंगे। ओके गाइस, सो हम ग्रेन अमाउंट को भी बढ़ाएंगे गाइस थोड़ा सा एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस को बढ़ाएंगे, नो डायरेक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है गाइस, एंड कलर नो डायरेक्शन को बढ़ा लेंगे। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ सभी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।